नमस्कार भाई दोस्तों, अभी तक का सबसे बड़ा सवाल ये था कि भाई अमृतपाल सिंह को शपथ दिलाई जाएगी या नहीं दिलाई जाएगी, अगर दिलाई जाएगी तो कैसे दिलाई जाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ था। क्योंकि वो सांसद भी बन गए थे, फिर भी उसके बाद उनकी एक साल की अनशन और बढ़ा दी गई थी। तो सुनो, सबसे पहले तो खुशखबरी सुन लो कि अमृतपाल सिंह को कल शपथ दिलाई जाएगी। अमृतपाल सिंह खालसा को कल शपथ दिलाई जाएगी, क्योंकि पंजाब के जितने भी नए सांसद बने हैं उनका नंबर कल है, शपथ ग्रहण का समारोह का उनका नंबर कल है। आज प्रधानमंत्री मोदी और 280 सांसदों को, नए बड़े सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी। कल है पंजाब का नंबर और कल अमृतपाल सिंह को भी शपथ दिलाई जाएगी। इस रहस्य से तो पर्दा उठ गया कि उनको शपथ दिलाई जाएगी या नहीं दिलाई जाएगी। उनको शपथ दिलाई जाएगी। फिर उसके बाद जो एक साल की एनएसए बढ़ाई गई थी उसका भी आपको बताते हैं, पूरा क्लियर करेंगे आपको। एक एक बात का क्लियर होना ना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि लोग है ना पता नहीं कहाँ से अपने आप से बातें बना लेते हैं। नहीं भाई ये होगा, आप ये नहीं होगा, अगर 60 दिन के अंदर शपथ नहीं दिलाई गई तो उसकी सांसद ही चली जाएगी। ऐसा नहीं होता, क्योंकि सांसद जो बनता है ना, एक दो आदमी नहीं, 4.5 लाख आदमियों ने अपना मत डाल लिया है तब जाके उनको सांसद चुना गया है। इसका मतलब तो 4.5 लाख आदमी भी गलत है। अगर अमृतपाल सिंह खालसा गलत है तो 4.5 लाख भी गलत है। फिर कहाँ का लोकतंत्र, कहाँ का गणतंत्र बोलते हैं भाई हम? फिर तो वो लटतंत्र वाली बात आ जाती है, लेकिन गणतंत्र है हमारे देश के अंदर। और वो इसलिए है क्योंकि कल अमृतपाल सिंह खालसा को शपथ दिलाई जाएगी। अब ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि सरकार उसको पैरोल, शपथ के लिए पैरोल पे लेके आएगी, सुरक्षा के बीच में लेके आएगी, ना तो उनको शायद पत्रकारों से बात करने दी जाएगी, ना ही किसी से मिलने दिया जाएगा, किसी से भी नहीं मिलने दिया जाएगा। कहीं कोई सोच रहा कोई मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा कोई भी, क्योंकि सरकार अपने हिसाब से करेगी। सरकार को शपथ तो दिलानी पड़ेगी, दिलानी पड़ेगी। दूसरी तरफ सरकार तो खुद उलझी हुई है, क्योंकि लोकसभा स्पीकर का चुनाव भी तो होना है, उसमें भी तो वोटिंग डालेगा अमृतपाल है, उसमें भी तो अपना मत डालेगा ना, वो भी तो देखना है। क्योंकि ये 12 निर्दलीय है, ये किस तरफ जाएंगे? 12 निर्दलीय सांसद चुने गए हैं, वो 12 निर्दलीय सांसद कहाँ जाएंगे? सरकार को भी तो वोटिंग चाहिए ना, क्योंकि लोकसभा स्पीकर बहुत बड़ा पद रखता है, उसके लिए चाहिए। तो उसके लिए कल अमृतपाल सिंह को शपथ ग्रहण दिलाई जाएगी। अब उसको कैसे, वर्चुअली दिलाई जाएगी, मतलब ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिलाई जाएगी, या सरकार उसको एक दिन की पैरोल पर लेकर, डिब्रूगढ़ से पैरोल पर लेकर आएगी? लेकिन यहाँ पे एक सवाल और खड़ा होता है। अब आता है असली सवाल, जो खड़ा होता है ना, सवाल ये खड़ा होता है, उनको शपथ दिलाई जा रही है। कल भगवंत मान साहब एक मतलब सभा कर रहे थे, उसमें बोल रहे थे आम आदमी पार्टी को ज्यादा से ज्यादा वोट डालो। किया क्या भाई, किया क्या? युवाओं को उठाकर जेल में डाल दिया, इसलिए तेरे को वोट डाले? या तो नशे का प्रभाव बढ़ रहा। लेकिन एक बात सबसे बड़ी देखने वाली है, पंजाब से ज्यादा नशा हिमाचल के अंदर चल रहा है लेकिन नाम पंजाब का बदनाम है। पंजाब से ज्यादा नशा हरियाणा में चल रहा है लेकिन नाम पंजाब का बदनाम है ना। सबसे ज्यादा नशा पकड़ा जाता है कहां? गुजरात के तट पे पकड़ा जाता है, लेकिन नाम पंजाब का बदनाम होता है। क्यों? और जब उसी नशे को कोई बंद करवा रहा है तो लगाओ एनएसए, डाल दो डिब्रूगढ़ जेल के अंदर। वो डिब्रूगढ़ जेल से कल आ रहा है भाई, बार वो कल बाहर आएगा, शपथ भी लेगा, शपथ उसको दिलाई जाएगी। उसके बाद सांसद बनने के बाद आपको बताया था ना कि फास्ट ट्रैक पर मामला आ जाता है, वो वकील जो होते हैं ना वो अपने हिसाब से कार्रवाई करते हैं। और इसके जुलाई के अंदर उसकी सुनवाई है, जुलाई के अंदर सुनवाई है अमृतपाल सिंह की, शायद किसी को पता नहीं था। इसी जुलाई की सुनवाई पे या इस एक तारीख और लगेगी, इससे ज्यादा तारीख नहीं लगेगी, फैसला देना पड़ेगा अदालत को। क्यों? क्योंकि ये आदेश है, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जो भी सांसद बनाया गया है या एमएलए चुना गया है उसके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस है, कैसा भी केस है, उसकी जल्द से जल्द सुनवाई हो। अगर सबूत नहीं है तो उसको बाइज्जत रिहा किया जाए। कितने केस योगी आदित्यनाथ के ऊपर थे, कितने केस अमित शाह के ऊपर थे, कितने केस प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर थे? नहीं थे क्या उनके ऊपर केस? उनके ऊपर दबा के केस थे, लेकिन वो चुने गए, जनता ने चुन दिया तो उनके केस हट गए, उनके केस हट गए। या जो सांसद थे जिसके ऊपर क्रिमिनल केस साबित हो गया उनको सजा मिली है, अमृतपाल के ऊपर तो कुछ साबित नहीं हो रहा, 2 बार तो सुनवाई हो ली, कुछ साबित नहीं हो रहा, फिर एनएसए बढ़ा देता है 1 साल की। मतलब ये भगवंत मान अपना जो चाहता वो करता रहेगा, लेकिन अब शायद ज्यादा नहीं कर पाएगा। आपको बताया था ना, शांति का फल, सबर का फल बहुत मीठा होता है। अगर सबर रखोगे ना, सबर का फल बहुत ही ज्यादा मीठा होता है। सबर रखना बहुत जरूरी होता है, सबर है ना आपके अंदर तो सबर का फल मिलेगा। पंजाब ने कितना सबर दिखाया। दूसरी तरफ जो लड़की थी जो करके गई थी अर्चना, अर्चना दरबार साहिब के अंदर करके गई थी, उसको गुजरात पुलिस सुरक्षा दे रही है, गुजरात पुलिस सुरक्षा दे रही है। हमने तो पहले ही बोला था इसको जिसने धमकी दी उसका फोन रिकॉर्डिंग दिखाओ और बताओ, दिखाओ उसके ऊपर केस करो भाई, जिसने धमकी दी है। धमकी कौन देगा? उल्टा वो बदनाम कर रही है कि मेरे को गालियां दे रहे हैं, मेरे को धमकियां दे रहे हैं। मतलब अपनी गलती फिर भी नहीं मान रही कि मैंने इतनी बड़ी गलती की है। ये प्रायोजित कार्यक्रम जो चल रहे हैं ना, ये कार्यक्रम तब बंद होंगे जब एक पंथक सरकार बनेगी या ठोस फैसले लिए जाएंगे। एसजीपीसी ने अभी तक कड़ा कदम नहीं उठाया, धामी साहब कड़ा कदम उठाइए, आपके पास अभी भी समय है, समय रहते आप पंथ को दिखाइए कि आप कड़े फैसले ले सकते हैं। नहीं बचना चाहिए उसको, 295A का पर्चा दर्ज है, लेकिन वो जेल में कब जाएगी? कब जाएगी जेल में?
ये कभी सोचा है क्या? लेकिन अगर पंजाब का कोई कुछ कर देता है, इतना टाइम तो लगता ही नहीं उसके अंदर, इतना टाइम लगता ही नहीं। फिर बोलते हैं क्या हुआ, योगी तो किया है ना, यही बोल रहे हैं ना लोग। तो सुनिए, ये जो इतने भी धार्मिक स्थान होते हैं ना, धार्मिक स्थान है ना, अपने मन की शांति के लिए पूजा उसके लिए होते हैं, पूजा अर्चना जो भी करने जाते हैं, चाहे मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा साहिब है या चर्च है, वहां पर ये ड्रामेबाजी या नौटंकीबाजी के लिए नहीं होते। चाहे कोई भी स्थान है, वो धार्मिक स्थान है ना, धार्मिक स्थान की अपनी कुछ मर्यादाएं होती है, और दरबार साहिब की तो अपनी अलग से मर्यादाएं हैं। हर धर्म की अपनी कुछ मर्यादाएं होती है, तो सिख धर्म की भी मर्यादाएं हैं। आप उन मर्यादाओं को तोड़ोगे और फिर आप इल्जाम लगा दोगे मेरे को धमकी दी जा रही है, क्यों? ऐसा कब तक होता रहेगा, कब तक चलेगा? ऐसा नहीं होना चाहिए। ये होगा, ये भी दूर होगा। अभी तो दो चुने गए हैं, दो MP बने हैं, दो दस्ताई मम्मी सरकार भी बनेगी, मुख्यमंत्री भी बनेंगे। भगवान मान साहब आप भूल जाओ कि आप मुख्यमंत्री रहोगे, जिंदगी भर नहीं रहोगे। जितना आपको जो करना आना, जितना सीखेगा गान करना आप करते रहो। अभी तक भगवंत मान साहब ने एक शब्द नहीं बोला कि दरबार साहिब के अंदर वो लड़की ऐसे करके चलेगी, बोला कोई शब्द नहीं बोला। लेकिन देखना अभी बोलेंगे, अमृतपाल सिंह जैसे शपथ लेंगे ना तो बोलेंगे, पक्का बोलेंगे, इस चीज की गारंटी है। कल अमृतपाल सिंह शपथ लेगा भाई, शपथ ग्रहण समारोह उसका कल पंजाब का नंबर है, और कल शाम तक क्लियर हो जाएगा कि अमृतपाल सिंह को पैरोल पे लेकर शपथ दिलाई जाएगी या भाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शपथ दिलाई जाएगी। लेकिन शपथ दिलाई जाएगी, शपथ दिलाई जाएगी। आरोप नहीं है भाई कोई भी उनके ऊपर, आरोप साबित नहीं हुआ है। दो बार सुनवाई होली, कोई आरोप साबित नहीं हुआ है। तो ये तो मन से निकाल दो कि भाई 60 दिन तक अगर शपथ नहीं ले पाया तो सांसद ही चली जाएगी, उनकी सांसद ही नहीं जाएगी, वो सांसद भी रहेंगे और 2027 के मुख्यमंत्री भी बनेंगे। ये भी आप भी यही हो, हम भी यही, कोई कहीं नहीं जा रहा, कोई कहीं नहीं जा रहा। और केस की सुनवाई जुलाई में फास्ट ट्रैक के ऊपर होगी, जल्द से जल्द उसका डिसीजन आ जाएगा। कोई सबूत नहीं है तो बाहर आएंगे, आएंगे वो बार, फिर NSA भी नहीं रहेगा। ये एक साल का बड़ा है, दो साल का बड़ा है, इनका बस चलेगा तो डायरेक्ट 10 साल का बढ़ा देंगे अगर इसी की चलेगी तो। संविधान की धज्जियां तो खुद भगवंत मान ने उड़ा दी, 3-3 महीने का बढ़ाने के जगह सीधा 1 साल का बढ़ा दिया, क्योंकि इसको पता था वो बार आएगा, वो बार आएगा और मुख्यमंत्री भी बनेगा, इसलिए पता था इसको पहले, वो तो फिर भी बार आएगा। और ये जो सब चल रहा है ना, जो किया जा रहा है, ये सब अकाल पुरख की लीला है। अकाल पुरख अपनी लीला दिखा रहे हैं, बार बार लोगों की आंखें खोल रहे हैं। आप लोग आंखें खोलो, आंखें खोलो आप लोग अपनी, नहीं तो ना ये सब ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ये लोग करते रहेंगे। और धामी साहब SGPC के प्रधान हैं, आपसे फिर दोबारा रिक्वेस्ट है, ये रिक्वेस्ट है, कड़े से कड़ा एक्शन लीजिए, बोलिए सरकारों को। सबसे बड़ी सरकार है SGPC अपने आप में, लेकिन पता नहीं क्यों SGPC के, मतलब आप प्रधान हो SGPC के, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान हो आप, आपके हाथ में बहुत कुछ पावर, आप पंथक आगू हो, पूरा पंथ आपके साथ खड़ा होगा। लेकिन आप फैसले तो लीजिए, बादलों से अलग होकर थोड़े फैसले लीजिए, फैसले आपको लेने पड़ेंगे। पंथ आपकी तरफ देखता, पंथ हमेशा SGPC की तरफ देखेगा या फिर अकाल तख्त साहिब की तरफ देखेगा, यही तो सर्वोच्च अदालत तो यही है ना। अकाल तख्त साहिब से बड़ी तो कोई अदालत नहीं है सिखों की, अगर है तो आप बता दो कमेंट में कि भाई अकाल तख्त साहिब से बड़ी अदालत ये नहीं है हमारी नजर में। तो भाई आपकी नजर में हो सकती है, होगी। अकाल तख्त साहिब के जथेदार साहब से भी एक रिक्वेस्ट है, जो भी कार्यकारी जथेदार साहब हैं, आप कड़ा रुख अपनाइए इसके ऊपर, जो ये बार बार बेअदबियां होती है ना, और ये जो हो रहा है, और नशे के लिए भी आप कोशिश करिए कि युवा नशा छोड़े और गुरु साहब के नजदीक लगे, ऐसा कुछ कीजिए आप कर सकते हैं। गतका की टीमें बनाइए, बच्चों को गतका सिखाइए, वो टीमें बढ़ाइए, तब जाके सुधार आएगा। ये सुधार करना बहुत जरूरी है। और हाँ, आपको फिर बता रहा हूँ, ये क्लियर है, कल अमृतपाल सिंह शपथ लेगा, ये कन्फर्म हो गया भाई, कल वो शपथ लेंगे। और शपथ उनको कैसे दिलाई जाएगी, ये शाम तक क्लियर हो जाएगा, लेकिन वो शपथ लेंगे, ये बड़ी खुशखबरी है। इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है भाई, अपनी राय जरूर रखना। ये जो सब चल रहा है ना, इसके आपकी राय का इंतजार रहेगा, आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण होती है। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आंखों, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।